मीन राशि आज का राशिफल यानी कि 15 दिसंबर का राशिफल। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वृश्चिक मीन स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से आपके आज के दिन के बारे में। दोस्तों, वीडियो को आप पूरा देखें, एस्किप कहीं भी ना करें, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए आज का उपाय भी है, जिस उपाय को फॉलो करके आप दिन को बेहतर बना सकते हो। तो पहले हम आज के पंचांग को देख लेते हैं। आज तिथि है तृतीया और उसके बाद चतुर्थी भी होने वाला है। नक्षत्र है पुष्य और पक्ष है कृष्ण पक्ष। दिन है रविवार। आज के दिन सूर्य उदय हो रहा है 7:05 में और सूर्यास्त हो रहा है 5:26 में। चंद्रोदय है 8:34 में और चंद्रास्त है 9:48 में। ऋतु है हेमंत और आज दिन है 10 घंटे 20 मिनट 16 सेकेंड का और महीना है पौष। आज आपके लिए शुभ समय है 11:55 से 12:36 के बीच में और अशुभ काल है शाम के 4:03 से 4:44 तक और राहु काल शुरू होता है 4:08 से 5:26 शाम में और दिशाशूल है पश्चिम दिशा की ओर। तो ये था आज का पंचांग। अब हम जानते हैं आपके आज के दिन के बारे में। तो वीडियो को आप देखते रहें। दोस्तों, सबसे पहला है आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है। आज किसी भी दोस्त के साथ आपका गलतफहमी होगा और गलतफहमी के वजह से वहाँ पर कुछ अप्रिय हालात पैदा हो जाएंगे जो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। इसलिए आज अपने गुस्से पर आप काबू रखें और किसी भी इंसान से बहस ना करें। अगर आप बहस करते हो तो आपको चोट चपेट लग सकती है, इस बात का आप खास ख्याल रखें। इसके बाद है आपका आज का धन संपत्ति, जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आज अगर आप धन का निवेश करते हो तो आप निवेश करें, लेकिन निवेश करने से पूर्व आप जहाँ कहीं भी धन लगा रहे हो उसके बारे में सारी बातों का जांच पड़ताल कर लें। सब कुछ जानने के बाद निवेश करें ताकि आगे जाकर वहाँ से आपको धन का लॉस नहीं झेलना पड़े। लेकिन दोस्तों, साथ में एक बात का आप ख्याल रखें कि आज आप धन का मिसयूज ना करें। आपके पास जो धन हो उसका आप यूज़ करें और धन को आज आप बर्बाद ना करें, क्योंकि अगर आप धन का महत्व नहीं दोगे, पैसे का वैल्यू आज आप नहीं देते हो, फिर आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। इसके बाद है आपका आज का पारिवारिक जीवन, जो कि सामान्य है, बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। अगर घर में आज आप कुछ बदलाव करना चाहते हो तो बदलाव आप अपने मन से बिल्कुल भी ना करें। घर वालों से उसके लिए आप अनुमति ले लें और घर वालों की सहमति के बिना आप कुछ भी ना करें, अन्यथा घर का माहौल खराब हो जाएगा और घर में बहस हो सकती है आपकी। इस बात का भी आप ध्यान रखें। अब है आपका प्रेम संबंध, व्यवसाय और वैवाहिक जीवन। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को आप लाइक कर दें और साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, घंटे को ऑल पर ऑन कर दें और वीडियो को आप हर जगह फैला दें, शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। मित्रों, प्रेम के लिहाज से आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। सामान्य तौर पे ये बेहतर रहने वाला है। आज के दिन अपने प्रेमी से आप झूठ ना बोलें, विश्वासघात बिल्कुल भी ना करें। अगर अपने प्रेमी को या अपने प्रेमिका को आप महत्व देते हो, उनसे विश्वासघात नहीं करते हो, फिर आपका प्रेम संबंध बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। इसके बाद है आपका आज का व्यवसाय, जो सामान्य तौर पे ठीक है आपके लिए। व्यवसाय के लिहाज से आज आप जो कदम उठाएंगे उस कदम को आप बिना समझे ना उठाएं, सब कुछ जानने के बाद फैसला करें, ताकि आगे जाकर कहीं कोई बाधा नहीं झेलनी पड़े। मित्रों, वैवाहिक जीवन आपका बेटर रहेगा। आज आपके और आपके जीवन साथी के बीच जो परेशानियां पहले से आ रही हो उसका द एंड हो जाएगा और आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत होने वाला है। इसके बाद है आपका आज का उपाय। तो मित्रों, आज आप पीपल के पेड़ में पानी दें और उसकी जड़ में आप दिया जलाएं। अगर आप ये कार्य करते हो तो आपको आज के दिन कहीं कोई बाधा नहीं झेलनी पड़ेगी और आपका दिन बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को आप फॉलो करें तभी आपका दिन बेहतर होगा।
तो मित्रों हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, भारत माता की जय हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो।